अनुपमा में मेजर ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है बैक टू बैक। आने वाले एपिसोड में जहां पर एक तरफ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए प्लानिंग चल रही होती है, घर वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है तोशु और किंजल के बीच। जी हां दोस्तों, मुसीबत इतनी आ चुकी है कि तोशु और किंजल के रिश्ते में क्या चल रहा है इस बात की खबर भी नहीं लगती है। तोशु को किंजल ने साफ कह दिया है कि अगर हमें लड़ झगड़ कर ही साथ रहना तो ना ही रहे तो साथ अच्छा है, और वो गुस्से में काफी कुछ कह जाती है। और तोशु अब भाई किंजल से हमेशा और घर वालों के झगड़ों के चक्कर में वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा और वनराज सा के ही रास्ते पर चलते दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही किंजल के सामने आएगा तोशु का वो सच जो कि होश उड़ा देगा। ना ही वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना ही कुछ और किंजल को उस पर शक होगा, और उसे तगड़ा झटका तब लगता है जब वो तोशु को किसी और लड़की के साथ देख लेगी, और उसके बाद ने वो बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और सीधे मुंह पर तलाक के पेपर्स मारेगी और घर में एक और बड़ा तलाक का ड्रामा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तोशु और किंजल के बीच में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाने वाली है और किंजल तोशु को तलाक देने का फैसला कर लेती है। तो वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा की केमिस्ट्री हमें काफी धमाकेदार तरीके से दिखाई जाएगी। अनुज और अनुपमा यानी अनुपमा इस अपने में ही अनुज के सपने देखते नजर आने वाली है और अनुज के साथ रोमांटिक होते नजर आएगी। यानी कि एक तरफ अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी शुरू होगी तो दूसरी तरफ यहाँ पर तलाक का ड्रामा तोशु और किंजल के बीच में शुरू हो जाएगा। तो तीसरा झटका तो सबसे बड़ा देने वाली है काव्या, कि घर में उसके बिना परमिशन के घर में एनिवर्सरी मनाई गई और अनुपमा को भी बुलाया गया, जिसका बदला लेते नजर आएगी वो घर वालों से ही और पार्टी में ही तमाशा शुरू कर देगी, और वो ये होगा कि वो घर को बेच रही है। या दोस्तों, घर को बेच दिया और घर वाले घर से बेघर हो जाएंगे, जिसके बाद ने वनराज को और भी जुनून चढ़ जाएगा और वो रातों रात घर खरीदने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा, जहां पर वनराज अपने परिवार को रातों रात घर दिलवाने के लिए अनुपमा की मदद लेने की बजाय गलत रास्ते पे चलना ज्यादा सही समझेगा। जल्दी ही सारे घर वाले वनराज के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो बहुत ही बड़ा ट्विस्ट शो में देखने को मिलने वाला है। तो अब वहीं पर अनुपमा के सामने ये भी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो चुकी है कि वो अनु से कैसे इजहार करे, तो दूसरी तरफ अपने पूरे परिवार का कैसे साथ दे, एक के बाद एक बिखरता नजर आ रहा है, और किंजल और तोशु के रिश्ते को कैसे बचाएं। तो तोशु और किंजल को भी अब समझाना जरूरी रह गया अनुपमा के लिए। अब देखते हैं कि क्या अनुपमा इन सब चीजों को ठीक कर पाती है या नहीं।